हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं स्वप्निल तिजारे फ्रॉम तिजारे क्लासेस आज आपका स्वागत करता हूँ। एक बहुत ही बड़ी खबर आई है आपके लिए कि सीबीएसई बोर्ड ने स्टैंडर्ड 9th, 10th, 11th, 12th इन सभी क्लासेस के लिए जो सिलेबस था उसको रिड्यूस किया गया है। तो चलिए देखते हैं आपके स्टैंडर्ड 10th के लिए साइंस इस सब्जेक्ट में कौन सा रिडक्शन यहाँ पे आया हुआ है, तो इसके डिटेल में समझते हैं। चलिए आइए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंडर यूनिट 1 केमिकल सब्सटेंसेस, इसमें नेचर एंड बिहेवियर को कम कर दिया गया है, जिसके अंदर था मेटल्स है ना, नॉन मेटल्स, बेसिक मेटरोलॉजिकल प्रोसेस, कोरोशन एंड इट्स प्रिवेंशन। उसके बाद है कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ अ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद इथेनॉल एंड इथेनॉलिक एसिड ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूसेज, इसके अंदर काट चुके हैं, बाकी का होगा आपको शायद से। उसके बाद में सॉप्स एंड डिटर्जेंट, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ओके। तो सोप जो आप नहाने का सोप होता है या कपड़े धोने का सोप होता है, ठीक है ना, वो तो ये सभी चीज़ें यहाँ से हटाई जा चुकी हैं। उसके बाद में अंडर यूनिट 2 में आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसके अंदर क्या क्या है कट चुका है, तो देखते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, तो ट्रॉफिक मूवमेंट्स इन द प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्लांट्स हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, इतना टोटल पार्ट आपको यहाँ से निकाल दिया गया है। तो ये यार बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों, सीबीएसई बोर्ड ने तो कह दिया है कि आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको अगर सच में पढ़ना है आने वाले फ्यूचर में, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई दिक्कत ना जाए पढ़ने में या किसी चीज़ को समझने में, तो आपको ये टॉपिक अभी से थोड़ा सा तो भी पढ़ ही लेना है अपने खुद के लिए। उसके बाद है हीरेडिटी एंड इवोल्यूशन, तो इसके अंदर भी बेसिक कंसेप्ट जो है इवोल्यूशन के वो पूरे के पूरे हटा दिए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं अंडर यूनिट 3 में देख सकते हैं आप नेचुरल फिनोमिना जो चैप्टर है उसमें भी काफ़ी सारा सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो देखते हैं क्या है उसमें। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था एक्चुअली, लेकिन चलो ठीक है, बोर्ड ने कुछ सोच के किया होगा, शायद उतना टाइम उन्हें नहीं मिलेगा इसलिए इसमें रिडक्शन करवाया होगा, लेकिन आपके खुद के लिए ये सिलेबस आपको ज़रूर पढ़ना है। फंक्शनिंग ऑफ द लेंस इन अ ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन विजन एंड देयर कोरेक्शन, उसके बाद अप्लीकेशंस ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेस। तो ये जो ह्यूमन आई, मतलब जो यूनिट 3 का जितना भी पोर्शन उन्होंने कटआउट किया है वो इम्पोर्टेंट ही है आपके लिए, तो अगर हो सके तो उसे ज़रूर पढ़ना। अगर आप वैसे स्कूल में अगर नहीं भी पढ़ाया जाए तो आप यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देख सकते हैं, इसमें भी आप लोग पढ़ सकते हो। उसके बाद अंडर यूनिट 5 इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट में आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट जिसे हम डीसी कहते हैं, उसके बाद अल्टरनेट करंट जिसे हम एसी कहते हैं, एसी करंट, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर द डीसी, मतलब एसी के एडवांटेज क्या है एज़ कंपेरेटिवली डीसी, तो ये भी हमें पढ़ना था एक्चुअली, लेकिन उसे भी रिड्यूस कर दिया गया है। उसके बाद में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, मतलब हमारे घर में जो हम लोग सर्किट्स इस्तेमाल करते हैं वो क्या थे एक्चुअली, ठीक है, तो ये भी पढ़ना था, वो भी रिड्यूस कर दिया गया है। आगे देखते हैं अंडर द यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेज, तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी ये इसके अंदर रिड्यूस किया गया है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वायरसेस एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ द एनर्जी, तो ये सभी चीज़ें हमारे सिलेबस से हटाई जा चुकी हैं। आगे देखते हैं डिलीटेड प्रैक्टिकल्स, मतलब
सिर्फ ये तो अभी तक के हमने जो देखा वो तो सिर्फ किताब में जो टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट थे सिलेबस से रिलेटेड, मतलब चैप्टर्स के अंदर के वो कंटेंट थे जिसको रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिकल्स भी रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो देखते हैं कौन से प्रैक्टिकल्स हैं जो रिड्यूस कर दिए गए हैं। उसमें से पहला देखेंगे फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल बाय यूजिंग द पीएच पेपर और अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो उसमें क्या क्या आता है, देखिए डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डायल्यूट एनायोएट सोडियम, डायल्यूट इथेनोइक एसिड सॉल्यूशन, लेमन जूस, वाटर, डायल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन। तो ये सभी चीज़ें इसमें से हट चुकी है। उसके बाद में सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द टू रेजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन अ सीरीज एंड पैरेलल। तो ये भी जो सीरीज और पैरेलल का जो आपको प्रैक्टिकल था वो भी हट गया है अभी। उसके बाद थर्ड नंबर का है प्रिपेयरिंग अ टेम्पररी माउंट ऑफ द लीफ पील्ड टू शो द स्टोमेटो स्टोमेटा। उसके बाद में है फोर्थ नंबर स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का जितना भी स्टडी था वो पूरा का पूरा उसके प्रैक्टिकल्स हट चुके हैं। क्या आता है उसमें, ऑर्डर आता है सोलिबिलिटी ऑफ इन अ वाटर था, इफेक्ट्स ऑन अ लिटमस था, और रिएक्शन विद द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी उसमें से अब रिड्यूस हो चुका है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट देखते हैं स्टडी ऑफ द कंपेरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ द सैंपल ऑफ अ सोप इन अ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। उसके बाद सिक्स नंबर है फाइंडिंग द इमेज डिस्टेंस फॉर द वेरिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस इन द केस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस एंड ड्रॉइंग द करस्पॉन्डिंग रेज डायग्राम टू शो द नेचर ऑफ अ इमेज फॉर्म। तो कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड जो आपको प्रैक्टिकल था वो भी अब रिड्यूस हो चुका है। सेवेंथ नंबर का प्रैक्टिकल है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ द डाइकोट सीड्स पी ग्राम्स और अ रेड किडनी बीन। तो ये सभी प्रैक्टिकल्स आपके सिलेबस में से अभी हट चुके हैं, वो रिड्यूस हो चुके हैं। तो थोड़ा तो आपका वर्कलोड कम हो चुका है, लेकिन जैसे कि अब प्रैक्टिकल की तो चलो बात अलग है, लेकिन जहाँ तक सिलेबस की बात है जो थेरी आपसे के सिलेबस से रिड्यूस हो चुके हैं, मैं चाहूँगा कि आप उसे एटलीस्ट थोड़ा सा एक दो बार तो भी जस्ट पढ़ लीजिएगा अपने समाधान के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, ताकि आने वाले दिनों में जब आप 11th 12th में जाएंगे तब आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े सिलेबस को लेके। तो चलिए यहाँ पे रुकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो आपके दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरा जो चैनल है उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स भी आपको मिलते रहें ऐसे ही। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।